दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में सिंपल स्टेप में आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस, सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद गाइस, आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। तो हम इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो हमारी जो कॉल रिकॉर्डिंग है होने लगेगी। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले सेटिंग, तो हम उस पर क्लिक कर देना। और फुल स्क्रीन करनी है आपको तो फुल स्क्रीन पर कर देना। और शॉर्ट कॉन्टैक्ट फ़ोटो करना है, जिससे कि आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट होते हैं फिर तो वो आप चाहते हैं कि वो कॉन्टैक्ट शो हों, तो हमारे फ़ोटो हों, तो उस पर फोटो भी लगा सकते हैं। तो इन ऑप्शनों को आपको ऑन कर देना है। दोनों को ऑन करने के बाद गाइस, आपको बे कर देना। बे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड, तो हमें साउंड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मीडिया वॉल्यूम लगाना आपको तो वो भी लगा सकते हैं, चेंज या ज़्यादा या कम, तो इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। कॉल वॉल्यूम को बढ़ाना तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। रिंग टोन नोटिफिकेशन लगानी है तो आप यहाँ से वो भी लगा सकते हैं। अलार्म वॉल्यूम है, नीचे आपको अपने कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको एडवांस पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने फ़ोन में प्रिंट टच साउंड, फिंगरप्रिंट, डायल पैड टूल, जो स्क्रीन लुकिंग साउंड, जो भी आपको अपने लगाना आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो गाइस, बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिम कार्ड सेटिंग, तो हम उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है केयर केयर फ्यूचर, तो हम उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है विडी आइडिया, तो हमें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल। जैसे कि गाइस, आपको अपने फ़ोन में अपने वॉइस मेल भेजिए किस नंबर पर, तो आपको वॉइस पर क्लिक करके इसे सेटअप पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको जिस नंबर पर आपको वॉइस मेल भेजनी है उसका नंबर डाल के यहाँ पर इसे ओके कर देंगे, तो आप वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो गाइस, बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको अपना ऑप्शन देखने को मिल जाता है फिक्स डायलिंग नंबर, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। वो यहाँ पर आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन में जैसे किसी नंबर की कॉल फॉरवर्ड है जो अपने नंबर पर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉल वेयरिंग है और यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप अपने कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं। तो वह बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक्स नंबर, तो हमें इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अनकाउंट नंबर नोट इन योर कॉन्टैक्ट को जब ऑन कर देंगे और अनकाउंट नंबर को, तो इन ऑप्शन को दोनों को ऑन होने से क्या होता है गाइस, जो आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट सेफ नहीं है वो आपके नंबर ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी की ज़्यादा कॉलें आती हैं, परेशान हो जाते हैं, आप कॉल नहीं उठा पाते, तो आपको ऐड नंबर पर क्लिक करना और उसका नंबर डालना, और यहाँ से आप उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो गए बैक कर जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडवांस, तो हमें इस पर क्लिक कर देना और इन तीनों ऑप्शनों को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको अबाउट है, अबाउट पे करके यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कई सारे, तो इन्हें ऐसे ही रहने देना है। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।